घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा, लगातार बाधित हो रहे मानसून सत्र के हंगामे के बीच लोकसभा में ललित गेट पर वॉक युद्ध, सुषमा राहुल और जेटली ने छोड़े शब्द मार, और बिहार में बराबर का समझौता, 100-100 सीटों पर लड़ेंगे लालू नीतीश, कांग्रेस को हुआ मनमाफिक फायदा। अब बिहार से पहले बातचीत करते हैं लोकसभा में ललित गेट पर वाक युद्ध की। इसकी शुरुआत हुई आज जब सत्र लगभग कल आखिरी दिन है, और इस आखिरी दिन से एक दिन पहले जब इस पे भाषण हुआ, और भाषण में नेताओं ने अपने अपने पक्ष रखे, पार्टी ने अपने अपने पक्ष रखे, सुषमा ने अपने पक्ष रखे, राहुल ने, सोनिया और अरुण जेटली, कई सारे बयान हैं आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले कि सुषमा स्वराज ने जो सफाई दी है वो क्या कहा उन्होंने, ये आपको हम दिखाते हैं कि जो पैसे की बात थी, ललित गेट पे बात थी, उन्होंने क्या कहा कि 38 सालों से वो सियासत में है। क्या कहा उन्होंने 38 साल की सियासत में? मैं यहाँ के माननीय सांसद, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कहना चाहती हूँ, आपको बहुत शौक है छुट्टियां मनाने का, दो दो महीने आप छुट्टियां मनाते हैं, आप जाइए किसी दिन, इस बार की छुट्टी में कहीं एकांत में बैठकर अपने परिवार का इतिहास पढ़िए, और अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगी, उन्हें कहिए अकेले में बैठकर क्वात्रोची से शहरयार तक के सारे काले कारनामे जो उस इतिहास में दर्ज हैं उनको पढ़ें, और लौट कर पूछे, मम्मा क्वात्रोची के उसमें हमने कितना पैसा लिया था, पूछे मम्मा 15,000 के हत्यारे को एंडरसन को डैडी ने क्यों छुड़वाया था, और पूछे कि एंडरसन को छोड़कर शहरयार को लाकर उन्होंने एक क्विड प्रो को क्यों किया था। 38 साल से राजनीति में हूँ, 38 years, 38 साल से जिस मर्यादा और संयम से राजनीति की है वो तपस्या जैसी चीज होती है, तपस्या जैसी। आप साक्षी रही हैं मेरे राजनीतिक सफर की, एक तिल भर दाग नहीं लगा मेरे दामन पे, एक तिल भर दाग धब्बा नहीं लगा। आज जीवन के इस पड़ाव पे आकर के मैं अपनी तपस्या भंग करूंगी, ये मुझसे किन चीजों का सवाल मांग रहे हैं, इन सारी चीजों के गुनहगार ये स्वयं हैं। राहुल गांधी कहते हैं जब चोर आते हैं तो छुप छुप के आते हैं, सुषमा जी ने जो काम किया है वो छुप छुप के किया है। मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, सुषमा स्वराज ने कोई काम छुप छुप के नहीं किया, अगर छुप छुप के किया तो क्वात्रोची को भगाने का तुमने किया। अध्यक्ष जी, अगर छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम किया, नहीं कह रही अध्यक्ष जी, ये इनके अपने मुख्यमंत्री की किताब है, अर्जुन सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी। अर्जुन सिंह केवल मुख्यमंत्री नहीं थे मध्य प्रदेश के, उसी पद पर थे जिस पर आज राहुल गांधी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उस समय माँ बेटा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते थे, कोई ना कोई व्यक्ति और होता था। और सुषमा के जो स्वराज के जवाब पर राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले आप उसको देख लें। कल सुषमा जी ने मेरा हाथ पकड़ा, ऐसे मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तुम मेरे से गुस्सा क्यों हो, मैंने तुम्हारा क्या किया। और मैंने सुषमा जी से कहा, सुषमा जी मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, आपकी मैं आदर करता हूँ, और मैंने आपकी आंखों में देखा जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, और आपसे कहा ऐसे, और मैंने आपसे कहा, सुषमा जी
मैं सत्य बोल रहा हूं और आपकी आंखें ऐसे गई, आपने अपनी आंखें नीचे की, सच है। अब सवाल ये उठता है, आपने ये क्यों किया? नो प्लीज प्लीज, ये क्यों किया? और मैं बताता हूं, नो प्लीज प्लीज, आपके परिवार को ललित मोदी जी पैसा देते हैं, आपके परिवार उनके लीगल अफेयर्स को देखते हैं, उसी समय आप मिनिस्ट्री में उनकी मदद करती हैं। yes. बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, आप लोग भी ह्यूमैनिटेरियन काम करते हो, आप भी करते हो, कोई अस्पताल बनाता है, कोई किसी की मदद करता है, मगर सुषमा जी दुनिया में पहली ह्यूमैनिटेरियन है, पहली ह्यूमैनिटेरियन है जो छुपकर ह्यूमैनिटेरियन काम करती है। अच्छा मैडम, मैडम हमने सुषमा जी से दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल था कितना पैसा मिला, जो ब्लैक मार्क, जो काला धन है, उसका जो चिन्ह है, उसको बचाने के लिए कितना पैसा मिला? और दूसरा सवाल, आपने ये काम छुप के क्यों किया, खुले में क्यों नहीं किया, सदन के सामने क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बताया, या बताया, बताया या नहीं बताया? आवा प्राइम मिनिस्टर सेड ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। टुडे ही डज नॉट हैव द गट्स टू सिट इन दिस चेयर एंड टेक अ क्वेश्चन। ही इज नॉट सिटिंग हियर बिकॉज ही डज नॉट हैव द गट्स टू फेस दिस हाउस। गांधी जी के तीन बंदर हुआ करते थे, छोटे छोटे, एक बंदर वो छोटे उनकी मूर्तियां होती थी, एक बंदर कहता था बुरा मत देखो, दूसरा बंदर कहता था बुरा मत सुनो, तीसरा बंदर कहता था बुरा मत बोलो। मोदी जी ने इसको मॉडिफाई कर दिया है, मोदी जी का कहना है सच को मत देखो, सच को मत सुनो और सच को मत बोलो। आपकी रक्षा नहीं कर रहे हैं ये लोग, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी रक्षा आपको आपके बोलने से होगी, बोलने से आपकी रक्षा होगी। आप बोलिए, आप डरिए मत, बोलने से नहीं डरिए आप। देश आपकी आवाज सुनना चाहता है, आप कहते हो मन की बात करूंगा। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रदीप तमटा जी, हैं पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, नंदकिशोर गर्ग जी हैं वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अफजल अब्बास साहब हैं जेडीयू के नेता हैं, वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और अवधेश कुमार जी हैं। अवधेश कुमार जी आपसे शुरुआत करते हैं, सफाई और सफाई हंगामे के बीच सफाई और जो कुछ आपने सुना, क्या टिप्पणी है आपकी, कैसे देखते हैं दोनों तरफ को आपने सुना? पहले तो मैं, मेरे लिए कम से कम इतनी राहत का की बात है और ये मेरे लिए थोड़े संतोष का भी विषय है कि किसी स्थिति में लोकसभा का संचालन हुआ, कार्यवाही हुई, भले आपने स्थगन प्रस्ताव दिया। हम लोग यही कह रहे थे कि कांग्रेस सड़क की लड़ाई को संसद में न बदले, सरकार को संसद में बहस में घेरे, अगर वो मानती है कि सरकार ने गड़बड़ किया है तो जनता के बीच जाए, सड़कों पर उठाए। लेकिन कांग्रेस के बारे में मैं लगातार कह रहा हूं कि पराजय के बाद से कांग्रेस नीति, नेतृत्व, विचारधारा और रणनीति चारों स्तर पर ऐसे भ्रम की शिकार है कि वो समझ ही नहीं पाती है कि उसको क्या करना चाहिए। अगर उसने आरंभिक दिन से संसद को चलने दिया होता, ये बहस की होती, तो आज सुषमा स्वराज जिस ज्वालामुखी की तरह आग उगल रही थी और जो कि पूरी देश में चिंगारी की तरह समर्थकों के बीच गया है, वो नहीं जाता। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने जवाब दिया है इस समय, ये जवाब अगर यही बातें 15 दिन 20 दिन पहले हुई होती तो इस देश में कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी के प्रति एक सहानुभूति हो सकती थी। लेकिन आज उनके बोलने का इसलिए कोई अर्थ नहीं रहा क्योंकि देश के विवेकशील लोगों का दिल दहल गया था कांग्रेस के नेताओं का संसद में व्यवहार देखते हुए, जब उपाध्यक्ष के सामने कागज फेंके जा रहे थे और स्वयं सोनिया गांधी जो है बेल में जा रही थी, जो आज तक नहीं हुआ कि किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष इस प्रकार से बेल तक जाए।
और इस प्रकार से कार्यवाही को ना होने दे। और आज भी जब सुषमा बोल रही थी, जिस प्रकार से कांग्रेस के सांसद बार बार वहां जाकर डिस्टर्ब करने का और प्ले कार्ड दिखा रहे थे, ये संसदीय मर्यादा का अतिक्रमण था। इसलिए कांग्रेस कुछ भी अब बोलेगी, लोगों के दिल से कांग्रेस इस कारण से उतर चुकी है। अब लोगों को यह लग रहा है कि कांग्रेस केवल हार के बाद इतनी खीजी हुई है कि वो सरकार को केवल बाधित करना चाहती है। कि अब राहुल गांधी कुछ भी बोल लें कोई असर नहीं पड़ेगा प्रदीप टंडा जी, क्योंकि आपने वो वक्त जो महत्वपूर्ण समय था आपके पास, जब आप संसद में सरकार को घेर सकते थे, आपने संसद को बाधित किया, चलने नहीं दिया, और आखिर के एक दिन पहले आप आके आज जो कह रहे हैं, लोग ऑलरेडी आपको ये मान चुके हैं कि आप सरकार, आप हार से पीड़ित हैं, और इस कारण आप सरकार को घेरना नहीं बल्कि एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा के तहत आप काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अवधेश जी, कह रहे हैं कि अब आप बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। यही बात अगर पहले बोले होते शायद कुछ लोग आपके साथ होते। अवधेश जी चाहे जो भी कहे, इस देश की संसद को किसने नहीं चलने दिया वो दुनिया जानती है। जो प्ले कार्ड से लेके वेल की बात कर रहे हैं वो इतिहास को न दोहराए मैं कहना नहीं चाहता हूँ। जिस पुरानी संसद में जो परिपाटी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा डाली गई है, उस समय आज पहली बार हुआ कि देश की स्पीकर ने नाम लेकर के कहते सांसदों को, 20 सांसदों को लोकसभा से आउट किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सवाल क्या था, क्यों नहीं चल रही थी, जो मूल सवाल है जिसका कह रहे कि सुषमा जी ने जवाब दिया है, कहां सुषमा जी ने जवाब दिया है, वही बात फिर आज दोहराई। जो जब प्रतिपक्ष में ही मौजूद था वही बात आज फिर दोहराई। देश जानना चाह रहा है कि जिस काले धन को आपने कहा था, चुनाव में घोषणा की थी कि काले धन को लाना हमारा प्रमुख कर्तव्य है, मुख्य एजेंडा है, प्रधानमंत्री ने तो तब कहा भी था कि 15-20 लाख आ सकता है देश के हर गरीब आदमी के खाते में। आज उस काले धन का जो रखवाला है, जिसके ऊपर आरोप है, जिसके ऊपर यूपीए की सरकार ने ब्लू कलर नोटिस जारी किया था कि देश में आकर के बताओ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने ये करोड़ों रुपया यहां से कैसे गया, इसकी हेरा फेरी कैसे हुई है, जो भाग रहा था देश के कानून से, जिसके खिलाफ जिसके पासपोर्ट को क्या कहते हैं सरकार ने यूपीए सरकार विड्रॉ कर लिया था। आज सुषमा जी से देश पूछ रहा है कि हाई कोर्ट के निर्णय को खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में जाने की अपील क्यों नहीं की गई, ये फैसला किसने किया गया, इसका आज तक कोई उत्तर नहीं मिला। वो कहती थी पहले भी कि आज भी कह रही थी, मेरी जब आपने बात सुनी मैं पूछ रहा हूं कि उन्होंने कोई पत्र नहीं दिया, उन्होंने कोई सिफारिश नहीं की। सवाल अब संसद में क्यों नहीं कर रहे थे, आपकी बात को मैंने सुना, संसद में क्यों नहीं कर रहे थे, ये यही बात कह रहा हूँ। अवधेश जी जब आपने बात की मैंने ठोका दी, ना मेरी आदत है, आप मेरी बात को कहने दीजिए, आप संसद में चलने देंगे, सवाल को जवाब एक मिनट गर्ग साहब, संसद नहीं चलने देंगे, ये संसदीय से पूछे एक एक में नहीं, लेकिन देश वो गलत है, ये गलत है, ये बताओ नहीं आएगी, वो गलत है, ये गलत है। मैं सिर्फ ये पूछा सुषमा जी से, वो ठीक है क्या बात पूछ रहा है प्रदीप जी, ललित मोदी को ठीक रहेगा गलत गलत रहेगा, ग्राउंड में आपने सिफारिश की, कौन सा मैसेज भेजा, क्या उसके विदेश मंत्रालय को उसकी खबर है, क्या हाई कमिश्नर को खबर है, ये जो संदेश आपने ब्रिटेन को दिया, जो सवाल वो है। सवाल तो यही तो मूल है, सवाल यही तो सवाल मूल है। आप कहती है कि मैंने कहा, जो उनका कहना है, मैंने कहा कि अगर ब्रिटेन उनको अपने कानून के मुताबिक ट्रेवल डॉक्यूमेंट देता है तो भारत और ब्रिटेन के संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिफारिश आपने किसके कहने पे दी, किसकी राय पे दी, क्या भारत के विदेश सचिव को इस बारे में संज्ञान में है, क्या हमारे हाई कमिश्नर लंदन उनको इस बात की संज्ञान में है, क्या किसी टिप्पणी में है, क्या प्रधानमंत्री को ये मालूम है। इस देश को मीडिया के माध्यम से मिला कि सुषमा स्वराज ने प्रदीप जी नहीं उनके ट्रेवल डैमेज के लिए मदद की, सवाल तो इस सवाल का उत्तर कहां मिला। मैं दूसरा हमारा दूसरा सवाल है, जो सवाल था ये जो देश जानना चाह रहा है, राहुल बाबा 2 महीने कहते हैं देश जानना चाह रहा है। प्रदीप जी
प्रदीप जी दो महीने राहुल गांधी कहां थे देश जाना जा रहे बता दो आखिरी एक दिन पहले राहुल ही बता रहा आप नहीं बता रहे आपकी मम्मी नहीं बता रही दो महीने राहुल कहां था ये बता दो ना इसका कोई मतलब नहीं क्यों नहीं मतलब है इस देश क्यों नहीं मतलब अगर आप ये देश की संसद में यही हो रहा है ये जानना चाह रहा राहुल दो महीने कहां था जो मुख्यमंत्री है जो भगोड़े को काले धन के भगोड़ा नहीं है अरे आपकी न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया हमें आप कर रहे हैं हम पकड़ के लाएंगे आपने उसको छूट दिया हम पकड़ के लाएंगे ये देश की बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं संसद के सत्र में जो कुछ आखिरी दिन एक दिन पहले लगभग आखिरी दिन 13 तारीख को यानी कल इसका सत्र का समाप्ति होने और उससे पहले आज जो चर्चा हुई खास करके ललित गेट पे उससे हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने 230 करोड़ रुपया बर्बाद होने के बाद क्यों आज चर्चा हुई तो सही लेकिन चर्चा में जो कुछ बातचीत हुई उस पर पक्ष रख रहे थे प्रदीप टमटा जी नंदकिशोर गर्ग जी जो बात उन्होंने कही कि उनको जवाब नहीं मिला वो कह रहे हैं सवाल जो थे उनके जवाब नहीं मिले 230 करोड़ रुपए खर्च हो गए पब्लिक के जवाब तो मैं एक ही जवाब चाह रहा हूं कि जब कांग्रेस ने कहा था बिना इस्तीफे संसद नहीं चलने देंगे जो गैर तार्किक अलोकतांत्रिक था आज चलने देने के लिए क्या अचानक मिला क्योंकि उनको ये मालूम था कि GST पास नहीं होने देना इस देश को तरक्की ना हो इस देश में विकास ना हो और लूट खसोट के लिए जो इनको रास्ते मिले हुए थे देश में एक निराशा के वातावरण को हमने जो बदला था उसको एक साल तक आशा के वातावरण को खराब करने के लिए जी जान से विदेशी शक्तियों के इशारे पर इस देश में अराजकता पैदा हो GST की बात करें मुझे यही बता दें पिछले 5 साल तक किसने लटकाया सुशील मोदी उसके चेयरमैन थे उसको पिछले 5 साल तक तो मालूम भी आप सांसद रहे हैं सुशील मोदी एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन थे मेरे ज्ञान वर्धन कर दिए देश का ज्ञान वर्धन कर दिए 5 साल बंगाल के को क्यों नहीं आपने पास करने दिया किसने रोका किसने रोका कब रोका भारतीय जनता पार्टी की कब रोका भारतीय जनता पार्टी का वित्त मंत्री बिहार का इस कमेटी का चेयरमैन था और उसने धीरे धीरे इसको स्थिति पे ला दिया था संसद में आने के बाद लेकिन आखिर में आप आते हैं चर्चा पे आते ही अभी एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट अभी भी JNK का आपका वित्त मंत्री ऑलरेडी उसमें 230 करोड़ रुपए अब केरल का है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी अगर यही चर्चा जो बात अवधेश जी ने शुरुआत में की और फिर जिसको हम गलत कर रहे थे तो आप गलत से गलत करेंगे क्या जब चर्चा कर ही रहे थे इसकी शुरुआत तो पहले भी हो सकती थी और आप सरकार को बेहतर ढंग से घेर सकते थे लेकिन जो कांग्रेस का रवैया रहा रुख रहा हम संसद नहीं चलने देंगे लोकसभा नहीं चलने देंगे राज्यसभा नहीं चलने देंगे इससे क्या मिला नहीं, हमने तो क्या हासिल हुआ? चलने दिया हमने तो सीधा कहा जिन मंत्रियों पर साफ स्पष्ट आरोप है आज चर्चा हुई वसुंधरा राजे पर व्यापम घोटाले पर विदेश मंत्री कुछ साफ आरोप थे पवन बंसल पर जीते तो कोई आरोप नहीं था चलिए चलिए आपने देश की अश्विनी कुमार जी को क्या कहते नहीं चलते सीधा सिफारिश करे अश्विनी कुमार काफी उनका योगदान रहा कांग्रेस के साथ आप जुड़े रहे आखिरकार चर्चा के तब करने आए जब समय लगभग 230 करोड़ रुपए की बर्बादी हो चुकी है देखिए इसके पहले भी UPA 1 UPA 2 में भी इस तरह से कई बार हुआ ये हो सकता है कि जितना आज पार्लियामेंट ने चाहे उससे कम चलाओ लेकिन विपक्ष हमेशा किया है लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बैठे हुए BJP के नेता बैठे हुए हैं बड़े जर्नलिस्ट लोग भी बैठे हुए हैं इंसाफ के बुनियाद पे जो डिमांड था वो तो उसका 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 तो नतीजा सामने निकल कर नहीं आया आज ठीक है राहुल गांधी पे इल्ज़ाम लगाइए या और किसी पे लगाई कि 200 करोड़ का नुकसान हो गया लेकिन जो 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 सवाल था उसका सही जवाब तो मिला नहीं हम आरोप प्रत्यारोप के पर आपने मुझे आरोप लगाया हम भी आप आरोप लगाए ये कोई सोल्यूशन नहीं निकला देश तो देख रहा ना तो हिंदुस्तान देख रहा है देश देख रहा है बिल्कुल देख रहा है आप जो तमाम जो विपक्षी दल हैं वो आते हैं आखिर में आते हैं
आप ये चीज शुरुआत से चर्चा करके सरकार को घेर सकते थे, आप सरकार को का पर्दाफाश कर सकते थे, आप सदन में सरकार को तमाम चीजों पे बहस कर सकते थे। बिल्कुल आपने उन तमाम चीजों को नहीं करके आखिरी दिन आज आप, लेकिन क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या बीजेपी वाले की केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि आज अपना आप जो है कल मनमोहन सिंह को खामोश प्रधानमंत्री कहते, कम से कम प्रधानमंत्री तो बोले, और इनकी खामोशी इस बात की कि दल, इस बात के का सबूत है कि कहीं ना कहीं उसपे आप आपने जो कुछ क्या बात कर रहे हैं डिमांड के लिए वो पूरे मालिक के उनको नहीं नहीं संसद प्रधानमंत्री आज ही तो प्रधानमंत्री गायब है। आप ये केवल मांग थी कि सुषमा स्वराज और ये दो लोग त्याग पत्र दे और संसद चला लो, ठीक मांग थी प्रधानमंत्री को भी सफाई दी जाए थी ना। पुष्पेंद्र जी से लेते हैं राय, उन्होंने भी देखा है, हमने लगातार जब से संसद की शुरुआत हुई और अब तक लगातार सियासत देखा है इस पे, और सियासी हालात यहां तक पहुंचे कि जो कुछ संसद खास करके चेयर के सामने हुआ वो भी हमने देखा लोकसभा में, एक लगातार पहले ही क्रेडिबिलिटी बहुत बेहतर नहीं थी लेकिन उसमें लगातार गिरावट आ रही है, जिस तरह से कागज फाड़ के फेंके गए, जिस तरह से चीजें वहां पे हंगामे हुए, यहां तक कि वेल में जो अवधेश जी कह रहे थे कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता जो है वहां पे वेल में गई, तो कुल मिलाकर के इस हंगामा से कुछ डायरेक्ट इल्जाम था सोनिया गांधी पे तो गई, जिस तरह का आरोप लगा, जिस तरह का भाषा का पार्लियामेंट के अंदर पी होती है, कौन आपको से कौन नहीं डिफेंड करेगा? वेल में जाके डिफेंड होगा, बोलने में वेल में क्या है जाने के, वेल में क्या रखा था, कुल मिला करके इससे क्या निकला? ये तो आपकी पार्टी के लोगों ने जो परंपरा मुझसे ये पूछे कि क्या निकला, पांच सालों तक भारतीय राजनीति में भारतीय समाज में एक मिसाल है कि ये पूछा जाता है कि 100 जूते खाओगे या 100 प्याज खाओगे, और 24 दिन के इस मानसून सत्र में 23वें दिन लोगों ने 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खा रहे हैं आज। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस मुद्दे पर यह संसद नहीं चली और 220 करोड़ खर्च हुआ और तमाम सारी बातें हुई, आज स्थिति यह हुई कि 23 दिन तक जो आपने ड्रामा किया, 23 दिन के 23वें दिन पे आज आपने सुषमा स्वराज के एक एक जवाब में और आपके पूरे खानदान के कथा चिट्ठा खोलने के बाद, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चिदंबरम से उनकी पत्नी का मामला क्या था, वो शारदा घोटाले के वकील बनी हुई थी, 1 करोड़ रुपया वहां ले रही थी, पतिदेव देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, किस तरीके से आदत चेहर यार टैक्स की भी वकील बनी ना, नहीं बट मैं ये कह रहा हूं कि ये तमाम सारी चीजें मुद्दे पर आए, मुद्दे पर आप बोल रहे थे तो मैंने आपसे नहीं कहा कि आप राष्ट्र को संदेश दे रहे थे, अब मुद्दे पे आ रहे हैं मुझसे पूछ रहे हैं आप पार्टी, आप तो आए नहीं। मेरा कहना यह है कि आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के सामने अपनी इज्जत भी उतरवाई और जलील भी हुए, लेकिन ये किया क्यों है? ये सिर्फ इसलिए किया कि जो बात लगातार अरुण जेटली कह रहे हैं, चाहे देश के 500 उद्योगपति कह रहे हैं, चाहे देश के तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि संसद को इतने लंबे समय तक कांग्रेस को बाधित नहीं करना चाहिए था, और संसद को बाधित करने के पीछे जो लोगों का तर्क है कि कांग्रेस पार्टी इस हताशा निराशा में जो है वो आपा खो बैठी है, उनको लगता है कि हम ऐसे ही चलाएंगे तो जल्दी मोदी की सरकार गिर जाएगी और हम सत्ता में आ जाएंगे, उस वजह से उनको लगा कि कल का दिन है, आज उन्होंने वो 100 प्याज खाने के बाद उनको ध्यान आया कि अब कल का दिन है, कल ये पास होगा नहीं जीएसटी, और जीएसटी पास कराना इस सरकार के लिए एक तरीके से उसके जो फेदर है उसमें एक और नया फेदर जुड़ेगा, लिहाजा वो ना जुड़े, तो ये साबित कर दिया कि ये विरोध जो हो रहा था ये संसद को 24वें दिन तक पहुंचाने के लिए हो रहा था, इसमें कोई तर्क नहीं था। अब आप अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं कि सुषमा स्वराज आई, मेरा हाथ पकड़ा, वो झुक गई, लेकिन ये बताएं मुझे कि इस देश में उनके वालिद साहब प्रधानमंत्री थे, आदिल चेहरियार वहां बंद था इस ड्रग स्मगलिंग के अंदर, इनके पिताजी प्रधानमंत्री की हैसियत में वहां गए, 1985 की बात है, और किस तरीके से कुछ प्रोक हुआ एंडरसन के मामले पे, उसको अपने जहाज में बिठा के लाए, तब इन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया था, तब देश के गृह मंत्रालय को इन्फॉर्म किया था, एंडरसन को जिस चार्टर्ड प्लेन के साथ सरकार में भेजा था, तो किसको उन्होंने इन्फॉर्म किया था? ये तमाम सारे लोग जो है 100,000 ठगी करने के बाद इनको ये ध्यान आ रहा है कि क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ये बताए कि इतने सारे कुकर्म जो इन्होंने देश के नाम पे चुपचाप किए हैं उसका जवाब देने के लिए जो ये जो मोदी सरकार बताए, मोदी बताए तो नहीं कहना चाहिए देश के नौजवानों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है? अरे व्यापक कानून है ना, इनका बेटी क्या राजस्थान में नहीं है जो है इन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को यह अमल बना रखा है, ये देश के दो ही लोग जब मुद्दू को भटका कर बस एक एक मिनट में हम अरे मुद्दू को भटका जो राजस्थान के मां बता
देश के सामने एक गलत तथ्य बार बार प्रस्तुत, बार बार गलत तथ्य, कौन सा तथ्य देश के सामने गलत तथ्य? लोकसभा को केवल विपक्ष ने बाधित किया। दिलीप जी आप स्वयं जो है संसद कवर करते हैं, 2012 से लेके 2014 तक अगर संसद बाधित हुई तो सत्ता पक्ष के द्वारा ज्यादा हुई है। तेलंगाना को लेके 17 फरवरी 2014 को संसद में लात घूसे और मिर्च अगर चले तो सत्ता पक्ष के बीच चला था। अवधेश जी ये आप ही के सवाल पर, क्या इस बार सत्ता पक्ष ने वो काम नहीं किया? प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं आए? फैला रही है बताइए जी। राष्ट्रमंडल घोटाले, एक सेकंड, राष्ट्रमंडल आधार, अरे पुराने घोटाले को जो वर्तमान को थी, क्या व्यापक घोटाले के बाद क्यों नहीं करे? देश के नौजवानों के इसलिए फहरा रही है। और पार्लियामेंट में नहीं आएगा तो को बचाया जा रहा है मेरे के साथ दोनों मंत्री ने सवाल को बताया कि भाई मैंने सिफारिश क्यों की, जिसके मैंने क्यों कहा कि विदेश से दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं? अगर नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर आवाज उठाए तो एक मिनट चलेगा, कोई आरोप नहीं है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आपका एक बार फिर से घटना चक्र में हम चर्चा कर रहे हैं, जो संसद सत्र आखिर में आए, चर्चा के लिए आए, लेकिन देर से आए, और देर से आए तो कितने दुरुस्त आए, और तब आए जब 230 करोड़ जो रकम है पब्लिक के पैसे का, टैक्स पेयर्स मनी का, उसको तबाह, उसको बर्बाद करके आए। हर एक मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, और जिस समय को खराब किया जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, जो भी हो, उन्हें सोचने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के कंक्लूड करने के लिए अवधेश जी, इस पूरे सत्र में आज जो ललित गेट पे चर्चा हुई, और जो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोले हुए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता थे, उनको क्या हासिल हुआ बहुत कम शब्दों में? अब हासिल ये हुआ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल एक आक्रामक मोर्चाबंदी शुरू हो गई, और वो मोर्चाबंदी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। पहले भाजपा ने मनाने की कोशिश की, नहीं मनाने, तो उन्होंने अटैक इज द बेस्ट डिफेंस का अपनाया, और आज ये मुद्दा दे दिया है। अब बिल्कुल एक आर पार की स्थिति है, और इसमें अगर कोई लूजर है, केवल इतना ही मैं कहूंगा, मुझे इस बात से बहुत दुख है, पीड़ा भी है, कि कांग्रेस जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी वो इतना बड़े इस ढंग से गलत नीति अपनाएगी कि सबसे बड़ा लूजर कांग्रेस इसमें बनी है। इसका परिणाम कुछ नहीं है, देश के लिए यह चिंता का विषय है कि हमारे मतलब पराजय के बावजूद कांग्रेस और सरकार में इस ढंग से लड़ाई हो, इसमें देश का विकास बाधित होगा, ये सब होगा। मेरे ख्याल से इसका समाधान नहीं निकला। अफजल साहब, इतने दिनों के आप संसद सबसे बड़ी पंचायत देश की, आप वहां पे जो आपके पास एक मौका होता है कि चीजों को सरकार को चर्चा करके घेरने का, उसको बाधित करके बाद आखिर आते हैं वहीं पे आप, लेकिन इतना तमाम समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, राज्यसभा में कहां आए? राज्यसभा में नहीं आए जी, केवल लोकसभा में हुआ। क्या निकला इससे, क्या निकाल के लेके गए? देखिए लास्ट मोमेंट पे उन्होंने सियासी बेनिफिट के अलावा और कुछ? देखिए सबसे बड़ी बात, लोग आप ये बिल्कुल सही कि नुकसान होता है, इससे इनकार नहीं, लेकिन अगर मेरे अपने जाती राय इसमें है कि अगर एक एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हो या राज्यसभा में कोई बातें उठाता है वहां पे,
तो वो भी एक देश हित में बात करता है। तो अगर ये हम तो चर्चा करके भी आप कर सकते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हम किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे या किसी करप्शन के मुद्दे पे पार्लियामेंट में बात उठा रहे हैं और रोक रहे हैं तो दुनिया तो देख रही नहीं क्यों नहीं चल रहा है। तो इसका दो आईने का दो रुख होता है, इस रुख को भी देखना पड़ेगा। आप चलिए उस रुख को भी हम लोगों की प्रतिक्रियाएं तो आपको सरकार चल जाएगा विपक्ष आक्रमक हुए बोला नहीं आपको स्थापित करके चलाना चाहिए जी। जस करने की 20 तारीख को मीटिंग वेंकैया जी ने बुलाई, फिर स्पीकर ने बुलाई, फिर 41 पार्टियों में से 28 अवधेश जी ने कहा कि बीजेपी ने भी ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, 28 पार्टियां सहमत थी। और ये तो मुलायम सिंह ने जब एक स्टैंड लिया है, जब कांग्रेस को समझ में आई है कि बाकी पार्टियां उनकी गुलाम नहीं है, सब एक दूसरे के कंपटीटर है। आज कांग्रेस पूरे सारी बहस में कांग्रेस का साथ तो कौन दे पाए, 333 है, 400 का सपोर्ट है, 44 आदमी आपको कांग्रेस आज आइसोलेट हो गई। नहीं, लेकिन भाजपा कांग्रेस के भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं कराती है, पकड़ के जेल में कैद नहीं डालने की हिम्मत करती है? मैं इस बात से सहमत हूं, तलवार खींची है जी, सामने वाले भ्रष्टाचार पर बोलिए, सामने वाला भ्रष्टाचार आज दस जनपद के ऊपर शब्द प्रयोग किया था आज दस जनपद के ऊपर पिछले चार पीढ़ियों से एक रुपया कोई काम किया हो बताएं। देश की जनता थी कि चार पीढ़ी से कांग्रेस नहीं जा रही थी जी, जो कह रही है प्रधानमंत्री क्या उनको या उनको समर्थन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री फिर मौन मर गए मोदी का जो आरोप कांग्रेस वालों का एक्सपोजर शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। राजीव शुक्ला कौन है, राजीव शुक्ला कौन है, ललित मोदी है, और राजीव शुक्ला कौन है, राजीव शुक्ला आईपीएल का चेयरमैन कौन है, आईपीएल का चेयरमैन कौन है, आईपीएल का चेयरमैन राजीव शुक्ला है, ये सोनिया गांधी के सारे खर्चे देता है, राजीव शुक्ला कौन है, कांग्रेसी है या नहीं है, सुषमा स्वराज ने जो कुछ किया उस वक्त तक पटना के अंदर मीटिंग चल रही थी लालू की, नीतीश की और सीपी जोशी जो है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही थी। जब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो किसी ने यह पहुंचा दिया था कि आपने जो 23 दिन में देश को जो कुछ किया, लेकिन आपका जो एजेंडा था कि लालू और नीतीश आपको 25 सीटें नहीं दे रहे थे, उन्होंने 40 दे दी, उसके उत्साह में आज राहुल गांधी जो है बोलना शुरू कर दिया। तो मैं ये कहता हूं कि 23 दिन के बाद ये 40 स्वागत है आपका। आखिरकार बिहार में एनडीए के खिलाफ महागठबंधन जो बनना था उसके बीच सीटों के जो बंटवारे को लेकर लगातार खींचतान थी उसका खत्मा आज देखा। लगभग ये तय हो गया, अनाउंस हो गया, ऐलान कर दिया गया कि 100-100 सीट पे आरजेडी और जेडीयू चुनाव लड़ेंगी और कांग्रेस को 40 सीटें, जैसे लोग कह रहे हैं कि इसे मन माफिक या कहें लॉटरी लग गया है। प्रदीप जी, वहाँ पे लड़ाई थी असल में महागठबंधन में, कांग्रेस पार्टी की सोच भी नहीं थी जितना सीटें मिली हैं। वाकई आपको लगता है कि इस बार ये 40 सीटें जीतना कांग्रेस के लिए चुनौती होगा वहाँ पे? देखिए वहाँ पर क्या कहते हैं, कांग्रेस आरजेडी जेडीयू के बीच में पहले से ही गठबंधन स्थापित था और आज उस गठबंधन ने अपना जो फॉर्मल सीटों का बंटवारा भी कर लिया है,
वो मजबूती के साथ चुनाव मैं जा रहा, और इसी गठबंधन जब शुरुआत हो, अब इस गठबंधन का एजेंडा एजेंडा साफ है, एजेंडा साफ है, इस देश को जंगल राज वाले मोदी और इस तरह के जिन्होंने लुभावने नागरिक देव बर्बाद किया था, ये तमाम तरह की जो सांप्रदायिक ताकत है उनके खिलाफ है, हमारा एजेंडा साफ है। पिछले पांच साल में नीतीश जी ने राज्य के विकास को आगे बढ़ाया, जो विकास एक बिहार जो पिछड़ा राज्य माना जाता आज वो देश के राज्यों में है, लेकिन एनडीए के पास क्या एजेंडा है जी, मोदी के पास जी के पास क्या एजेंडा है, सीटों का बंटवारा हो गया, एजेंडा बड़ी दुख के साथ कहना पड़ा है कि देश का एक प्रधानमंत्री जब एक राज्य के उसमें जाता है किस तरह की बात करता है कि कहां का डीएनए क्या है, कौन सी सोचती वो उससे समय कम है, लौट के आता हूँ आपके पास जी। जनता परिवार का महाविलय जी बहुत फैनफेयर से डिक्लेयर हुआ था, मीडिया ने भी, सब पार्टी मिलके एक सिंबल पर लड़ेंगे, खत्म। अब ये 240 की जगह 480 ये लड़ने वाले, और मांझी पप्पू पप्पू तो अलग से है ही, 40 सीटें कांग्रेस को दे के मुझे बड़ी खुशी मिली कि नीतीश कुमार और लालू ने 40 सीटें कोई रहा हमारे लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान कर दी, और इनका जो महाभ्रष्ट आदमी इस देश का एक ही सजाए याफ्ता राजनीतिक दल का नेता जिसको चुनाव लड़ने से भी पाबंदी है वो उस दल का मुखिया होगा वोट मांगने के लिए, तो आज भ्रष्टाचार के ऊपर बात करना या इस देश में सुशासन पे बात करना, डीएनए पे बात करना, लालू जिसने कोई नाम ले लो किसी कमोडिटी का, उस घोटाले के अंदर सब प्रूव्ड हैं, चारा घोटाले से शुरू होकर और जितने तारकोल घोटाला, सड़क घोटाला, ये सब घोटालों में सब में सजायाफ्ता सारे, उस सजायाफ्ता व्यक्ति को आज उसकी गोद में बैठ के राहुल जी या सोनिया जी 40 सीटें लेके, मैं कह रहा हूँ बड़ा अच्छा हुआ 40 सीटें इनको मिल गई। अब कौन किसकी गोद में बैठा, आनंद किशोर जी, चार सीट जी सकते बात है, ये तीन दिनों में हमारा समझौता चले है, हमारी उम्र एजेंडा है, राम मनोहर लोहिया ने जिनके शिष्य जॉर्ज फर्नांडिस जिसको देशद्रोही कहा था वो नीतीश कुमार का मेंटर है उस पार्टी का निर्माता जी, राज को आप अफजल अब्बास साहब बड़ा अच्छा लगे, कल तक आप ही लोग तारीफ कर रहे थे, हमारा साथी रहा है, 100 सीट पे लालू यादव लड़ेंगे, 40 सीट पे कांग्रेस और 3 अन्य सहयोगियों को दिया जा सकता है, ये इसका ऐलान हो गया, इसमें एनसीपी आरएलडी जेडीएस कोई भी हो सकता है, कुल मिलाकर के इस महागठबंधन का अब जब आप जाएंगे जनता के बीच में तो लोग पूछेंगे नीतीश कुमार जी का क्या सुशासन आप इनके साथ 100 सीट में कैसे लाएंगे। देखिए कॉम्बिनेशन की बात, अलायंस में लड़ रहे हैं सबसे बड़ी बात, और ये इल्ज़ाम बार बार जो लगाया जा रहा है बीजेपी के तरफ से, एनडीए की तरफ से, कि करप्शन और जंगल राज, पर उनकी बात भी वाजा पहले ही हो चुकी है कि लालू यादव के परिवार से ना कोई सीएम बनने वाला है, लालू यादव खुद 12 साल तक, 11.5 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब पार्टी की जहां तक बात है परिवार से तो लड़ रहे हैं 2.5 साल से, दो जब बीजेपी से जब अलग हुए उस वक्त से तो हम 2 साल 1.5-2 साल से बीजेपी लालू यादव का कांग्रेस साथ में सरकार चला रहे हैं, इस पे और इसी समय में आरोप लग रहे हैं कि वहां पे कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालत बिगड़ रही है, विकास का विकास की जो गति था उसमें वो धीमी हो गई है, ये यही देखिए ये आरोप तो बीजेपी लगाती रहेगी, आज इनके लोग एक बोल रहे हैं 16 साल हमारे साथ क्यों रहे थे, देश के प्रधानमंत्री गया में जाके बोलते हैं 25 साल तक जिनके साथ कोई विकास नहीं हुआ, जब रिपोर्ट कार्ड नीतीश कुमार जब देते हैं डेवलपमेंट पे, अब 100 सीट को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये सवाल चलिए बहुत, 100 सीट में आप सुशासन कैसे लाएंगे, विकास कैसे करेंगे, 100 सीट से क्या मतलब है, हमें 100 सीट से क्या मतलब, हमें तो 122 सीट कम से मिनिमम 122 से 23 में सरकार बनेगी, अब सब मिलकर लड़ेंगे, अब मैं जहां जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि लालू यादव के साथ है, लालू यादव से क्या लेना है इसमें, हम आरजेडी देख रहे हैं 243 सीट में एक गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनेगी और वो विकास की गति को तेज, सबसे बड़ी बात है कि जब ये बीजेपी वालों ये इल्जाम लगा रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे होगा, हमने डेवलपमेंट जब डेवलपमेंट की बात होती है तो फट से कहते हैं कि नहीं हमने किया, और जब देश के प्रधानमंत्री गया जाके बोलते हैं कि 15-25 साल में कुछ नहीं हुआ, तो दो पहलू है, बिहार के बीजेपी जो वालों कहते हैं कि मेरे वजह से 8 साल हम थे डेवलपमेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं ये तो माने कि आप एक तरफ रहे या तो बिहार पे रहिए या प्रधानमंत्री की बात माने या फिर बिहार वाले की बात माने, बिहार वालों कहते हैं उस पर भी कुछ कह रहे हैं जी। मैं दो बातें कहना चाह रहा हूं जफर भाई से,
कि एक तो आप ये देखें कि ये जो गठबंधन नीतीश का और लालू का हुआ है और जो सीटों का बंटवारा है, इस बंटवारे में मेरा निष्कर्ष ये है कि जो मेरे भाई ने अभी कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो सीटें होती हैं, जब ये बीजेपी के साथ गठबंधन करा था इन्होंने तब ये 141 सीटों पे लड़े थे। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात। मैं मेरी बात सुन ले, और ये 115 जीत के आए थे। सुन ले मेरी बात जी। और जब लालू प्रसाद 243 पर लड़े और 24 सीटें जीत के आए, इस पूरी राजनीति में जो शख्स कोर्ट से हार गया हो, सजाए याफ्ता हो, सियासी तौर पे बिल्कुल चूने की लाइन पे लग गया हो, नीतीश कुमार की मजबूरी, कमजोरी, गुड गवर्नेंस का सारा स्लोगन इस बात को बताता है कि जो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके 141 सीटें लेकर लड़े, आज उनकी मजबूरी यह है कि उन्होंने जो आदमी हाशिए में पड़ा था, जिस आदमी के ऊपर इतने आरोप थे, उसके साथ मिलकर 100-100 सीटों पर, यानी अब आप उतनी सीटों पर भी नहीं लड़ रहे जितनी बीजेपी के साथ लड़ रहे थे। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बात अभी मेरे भाई ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए, मैं सांप्रदायिक ताकतों के बारे में एक बात इनसे बताए दे रहा हूं। जिस पार्टी के ये नुमाइंदे हैं, उस पार्टी के चीफ ने 2005 में भागलपुर दंगों के लिए कमीशन बनाया था, जस्टिस NMK कमीशन। उस कमीशन ने 7 अगस्त 2015 को विधानसभा के पटल पर एक रिपोर्ट रखी है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो उस वक्त कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, 1989 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस के थे, उन दंगों में कांग्रेस पार्टी शामिल, उस वक्त का प्रशासन शामिल था, उस वक्त की पुलिस शामिल थी। मैं यह पूछना चाहता हूं, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे क्या इसीलिए आपने कांग्रेस को 43 सीटें दिए कि भागलपुर दंगों में जिसमें 1000 लोग मरे थे, जिसमें से 915 मुसलमान थे? तो मैं यह पूछना चाहता हूं, यह धर्मनिरपेक्षता कौन सी है, इसका जवाब दें। ये देखिए, अब सत्येंद्र नारायण सिंह थे, सीएम थे, बिल्कुल सही बात है, हम लोग कांग्रेस इन्वॉल्व है कि नहीं है, उस रिपोर्ट में आपके मुख्यमंत्री ने बनाया था, उसके बाद आप कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता, जो कम्युनल पार्टी दंगा कराती है, प्रधानमंत्री वहां जाता है, एक लफ्ज नहीं बोलता है, वो मुख्यमंत्री की रिपोर्ट के बाद आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे? आप तो डूबे हुए हैं उस सांप्रदायिक पार्टी के साथ में, और आप 40 सीटें किस ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं? आप ताकत कौन है ये बताइए ना, सबसे बड़ी बात है कि भागलपुर का दंगा जो हुआ उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और बिल्कुल बात सही है आपकी। मैं आपके उनके साथ आप गठबंधन करके कम्युनल फोर्स से कैसे लड़ रहे हैं? दुकान मत चलाइए, मैं बोला ये दुकान बहुत दिन चला ली आपने, जब आपको जाना होगा तो आपको मुलायम सिंह के साथ, मुलायम सिंह के साथ मैं ये कहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है कि उस वक्त सत्येंद्र बाबू सीएम थे, और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार, बिल्कुल बिल्कुल सरकार थी, और उस रिएक्शन में मुसलमान उस वक्त था, मैं उस वक्त कांग्रेस में था, मैं बता दूं आपको, उस वक्त कांग्रेस में सवाल है, आज सवाल यह है, उस कमीशन ने रिपोर्ट जो दी है उसमें कांग्रेस पार्टी डूबी हुई है, आप जेडीयू में आज चले गए हैं, आप भी आज कैसे कह सकते हैं कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं? जो लोग सांप्रदायिकता करते हैं, जिन्होंने कमीशन ने जिनको इंगित किया है, वो लोग आपकी गोद में बैठे, आपका अफजल साहब कंप्लीट करें। बात मैं कह रहा था बिल्कुल सही है कि 2000 उस वक्त दंगा हुआ, सत्येंद्र बाबू थे सीएम, बिल्कुल कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद उसी का रिएक्शन था कि आरजेडी की सरकार बनी है, मुसलमान बजन होके कांग्रेस से कि नहीं ये, और लालू यादव कांग्रेस के साथ, तो भाई जिस तरीके से अलग किया आपने, फिर गोद में बिठा लिया, देखिए एजेंडा क्या है, ये बोले दिए थे, मैं खामोश हूं, बोले 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 कंप्लीट करें। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल अगर उनके ऊपर कार्रवाई, 7 तारीख को हुआ पटल पे आया, रिपोर्ट आई, इस पे आप देखिए नीतीश कुमार ने उसमें बहुत सारे लोग जो मजबूर लोग थे जो बाहर पे पीट ले उनके लिए मदद भी किए, इसमें इससे इनकार नहीं किया, अब उसके ऊपर जो एक्शन ना लिया जाए, कल 7 तारीख के बाद लास्ट डेट किया गया, वो इंतजार की कैसे लोग आजाद है, आज ही रिपोर्ट आई है,
कि असीमा नंद पर इस सरकार हाँ ठीक है उसने तो कर दी है फंस जाएंगे क्योंकि हम लोग मैं उस केस को देख रहा हूँ लगातार किसी को जबस्ती आप पकड़ के जमानत पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और ललित मोदी की भी जमानत पर आप हाई कोर्ट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए ये ऐसा मेरे से पूछो बता दो इटली का चीफ फासिस्ट था जहाँ की सोनिया गांधी उसकी रिश्तेदारी मुसलोनी कहाँ का था नीतीश कुमार फासिस्ट दिलीप जी इटली का मुसलोनी और सोनिया गांधी की क्या रिश्तेदारी सबसे बड़ा फासिस्ट था नीतीश कुमार चुनाव जीते हारे भारतीय जनता पार्टी जीते हारे लेकिन अगर नरेंद्र मोदी विरोधी राजनीति करके एक वितृष्णा और घृणा प्रदर्शित करके किसी एक नेता ने अगर अपने को कमजोर किया है और अपने को इस दुर्बल अवस्था में लाया है तो वो है नीतीश कुमार क्योंकि उस नेता के खिलाफ उनके नरेंद्र मोदी की बात नहीं है नीतीश कुमार की बात है इस समय अगर गठबंधन होता तो आपके 5 मिनिस्टर होते लेकिन आप बिहार के स्वीकार करेगी इसमें मुझे संदेह है पुष्पन जी ने कहा बिहार की जनता जवाब देगी जवाब देगी आज के द्वारा से तो चल गया ना कि नीतीश कुमार के हाथ में वो अदालत नहीं होगी बीजेपी वालों ये बोल रहे हैं सीट बीजेपी की बात छोड़ दीजिए बीजेपी लड़ाई होगी समय बहुत कम है एक एक मिनट में हमारे पास समय लगभग खत्म हो चुके हैं समय समाप्त हो चुके हैं लेकिन 30-30 सेकंड में हम कुछ कुछ एक छोटा छोटा सवाल है आपके लिए सबसे पहले प्रदीप जी एक तरफ एक रिपोर्ट आता है कमल जो दंगे हुए थे भागलपुर में उसमें कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस की सरकार एक चिन्हित किया गया है कि कहां खामी थी क्या क्यों हुए दंगे आज कांग्रेस और जेडीयू और अलायंस होकर आप एक आप कह रहे हैं कि हम कमलिज्म के खिलाफ लड़ेंगे ये इसमें इसमें विरोधाभास नहीं है कहीं कोई विरोधाभास नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कह दिया है रिपोर्ट आई है रिपोर्ट के आधार पर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी लेकिन हो सीधा सीधा बात है कि बिहार का चुनाव कांग्रेस फोर्सेस और काले धन के गठजोड़ का मुंहतोड़ जवाब देगी ये असीमा नंद के खिलाफ अपील नहीं होती है ललित मोदी के हाईकोर्ट का अपील नहीं होती है कांग्रेस और काले धन के खिलाफ बिहार की जनता जेडीयू के गठबंधन को मजबूती देगी कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ जिस गठबंधन के बना करके महागठबंधन आप कहते हैं हम संप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं और उसके साथ लड़ रहे हैं जो उस दंगों के उसमें चिन्हित किए गए कांग्रेस पार्टी के लोग जी जी क्या मुस्लिम मतदाता स्वीकार कर लेंगे बिहार में देखिए मुस्लिम मतदाता बिल्कुल स्वीकार कर रहा है और कर चुका है
क्योंकि उसके पास ऑप्शन भी नहीं है, और ऑप्शन यह है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ, क्योंकि जिस तरह के हरकतें बीजेपी के नेताओं ने एक साल में किया है, जिससे इल्जाम लगाए घर वापसी ये वापसी, दिल जीतने के बजाय तोड़ा गया है, चुनाव लड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है सीएम नीतीश कुमार बनेंगे, कांग्रेस का ना बनेंगे ना आरजेडी का बनेगा, नीतीश के सरकार चला के उन पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उस पार्टी के जो लोग थे, उसको आप सजा दिलवा पाएंगे, ये आप समझा लेंगे, बिल्कुल समझा लेंगे, आप देश समझा लेंगे। आपको लगता है कि इस 100 सीट और 140 अगर सरकार बनती भी है तो कितना ये मुख्यमंत्री अपने कितना कमजोर होगा, उसमें कोई कदम नहीं उठा पाएंगे। आप जिसको अपना पार्टनर बना रहे हैं, जिसके लोग आपके मंत्रिमंडल में होंगे, उसके खिलाफ आप काम कर पाएंगे? ये बिहार के मुसलमान इस पर जरूर विचार करेंगे। बीजेपी के लिए 140 मतलब क्या होगा? पप्पू यादव की श्रीमती आपकी मेंबर है, वो दोनों प्यार से पति पत्नी रंजना कुमारी, रंजना कुमारी कांग्रेस दल में आ रही है। कुल मिलाकर के कांग्रेस 140 आप महागठबंधन कितनी बड़ी चुनौती होगी? हमारे लिए ये महागठबंधन बहुत अच्छा बन गया है जी। 40 लोग कांग्रेस के वो जिनको नीतीश कुमार ने कहा कि दंगा कर, वो रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट में ना आरएसएस का नाम है ना बीजेपी का, जो सिंह साहब की रिपोर्ट आई। और आज हम बहुत मुसलमान समझ चुका है कि इस देश के अंदर सब मिलजुल कर रहें। नरेंद्र मोदी का एक हवा था, वो हट चुका है। हम 32 सीटें जीते थे 40 में से, आज भी हम वहाँ लगभग 150-200 सीटें जीतने वाले हैं, कम से कम इसमें कुछ संदेह। चलिए आप देखना गलत, आपका तो बंटवारा भी नहीं हुआ सीट का, आपके यहाँ ज्यादा जनजाति। प्रदीप जी, नंदकिशोर जी, अफजल साहब, पुष्पेंद्र जी, अवधेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।